हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, ये हमारा ऑन का ऑप्शन होता है, इसमें ऑन बटन क्लिक करते हैं। उसमें क्या है, आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। ये कीबोर्ड है, इसमें सारी कीज़ हैं आपकी। ठीक है, इसमें स्टार्ट बटन भी है। ये देखिए, लैपटॉप पूरा ऑन हो चुका है। ये इसका क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, इसमें इसको डेस्कटॉप भी कहते हैं। इंटरफेस में क्या होता है, आपका कंप्यूटर होगा और बाकी फिर गूगल क्रोम हो गया, जो भी आपको ब्राउजर चाहिए और बाकी जो आपके काम के सॉफ्टवेयर हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है आपका, नीचे इसे बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में आपका जो भी आपका खुला होता है ब्राउजर, वो यहाँ पे हो जाएगा। जैसे गूगल क्रोम है, ठीक है, कोई आपका प्लेयर है, जैसे VLC प्लेयर है, ओपन हो गया तो यहाँ आ जाएगा। और जो साइड में जो होता है, नीचे आपका बैटरी दिखा देगा। ठीक है, बैटरी कितनी है, स्पीकर दिखा देगा। ठीक है, अगर किसी नेट से आप इसको कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई से या मोबाइल के मॉडम से, तो वो दिखा देगा आपको। यहाँ आपका टाइम और डेट दिखा देगा। ठीक है, और इसमें कोई अगर एंटीवायरस रन कर रहा है तो वो दिखा देगा। जैसे ये चीज है, ये ऐसा माउस यूज होता है। ठीक, इसको टच पैड भी कहते हैं। इसमें दो बटन होते हैं, एक बटन इधर है, इससे क्या है, किसी चीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर दिया, और इस वाले से क्या करते हैं, राइट वाले से इसको ओपन करते हैं, उसमें ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ओपन, प्रीव्यू, जो भी है, एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च बार आता है। तो सर्च बार में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे पेंट लिख सकते हैं आप पेंट, तो पेंट का जो है आपका एप्लीकेशन खुल जाएगी। ठीक है, पेंट आ गया। तो ऐसे आप इसमें और एप्लीकेशन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें करके कैलकुलेटर करता हूँ, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर आ जाएगा। ठीक, और ऑन करने के बाद उसको रिफ्रेश करते रहिए। रिफ्रेश करने के क्या करिए, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पर रिफ्रेश बटन आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश हो जाएगा, या फिर यहाँ पे F5 होता है, F5 की को दबाइए तो भी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये F की, F5, F2। ठीक है, इसमें जैसे फोल्डर बनाना है कोई, तो उसमें राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के बाद यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, फोल्डर में क्लिक हो गया, फोल्डर को रीनेम कीजिए। ठीक है, नेम हो गया। अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, ओपन कीजिए, इसमें आप कोई भी फोल्डर दूसरा डाल सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर डाल सकते हैं। ठीक है, या इसमें कुछ और आपको कोई एक्सेल फाइल चाहिए, एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कर सकते हैं आप, और आपको नहीं चाहिए तो आपको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑप्शन है, क्लिक किया इसमें आ गया, और डायरेक्ट फिर ये रिसाइकलिंग बिन में चला जाएगा। फिर इसमें इतने इसको भी उड़ा सकते हैं आप। इसमें जैसे आपको दो फोल्डर दे रखे, इसको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में। लेकिन आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए, सीधा बाहर हो जाए, तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप शिफ्ट दबाइए और डिलीट दबाइए, तो इससे क्या होगा, ये रिसाइकल बिन नहीं जाएगा, सीधा बाहर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लैपटॉप के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे एक्सेल वर्क करता है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम काम कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।